अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने लगी हूँ फूड हॉले के चैनल पे। आज की जो हमारी रेसिपी है उसका नाम है फ्रूट केक, जो प्लम केक के नाम से भी बहुत फेमस है। उसके लिए मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है 1/3 कप। उसमें 2 टेबलस्पून मैंने टैंक ऐड किए हैं। फिर नट्स एंड फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हैं। वो 2 टेबलस्पून ईच नट एंड फ्रूट्स है। उसमें मेलन सीड है, पम्पकिन सीड है, फिर इसमें मैंने रेजन्स ऐड किए हैं, सुल्तानाज ऐड किए हैं, एप्रिकॉट हैं चॉप, ये नट्स जो हैं ये भी चॉप हैं, इसमें बादाम है, वॉलनट है और कैशूज हैं। ये डाल के फिर इसमें मैंने टूटी फ्रूटी ऐड किया है चॉप करके, वो आपने ऐड करके इसमें डेट्स भी ऐड कीजिएगा, वो मैं डालना भूल गई थी। तो वो डाल के आपने इसको मिक्स करके हाफ एन आवर के लिए इसको सूख करने के लिए छोड़ना है। फिर हम इसकी जो बैटर है उसको प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए मैंने 1/4 कप बटर ले लिया है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी ऐड किया है। वो डाल के फिर इसमें मैंने ब्राउन शुगर ऐड किया है 1/2 कप। मेरी जो पहले ब्राउन शुगर थी वो डार्क वाली थी, वो मेरी 2 टेबलस्पून थी, इसलिए मैंने दूसरी ऐड किया है, वो लाइट थी। ये डाल के आपने इसको बहुत अच्छी तरह बीट कर लेना है। जब ये बीट हो जाएगा तो इसमें 1 एग ऐड करना है। फिर साथ ही मैंने इसमें ऐड किया था शुगर सिरप। शुगर सिरप मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून। वो डाल के आपने बहुत अच्छी तरह बीट कर लेना है। फिर इसमें मैंने ऐड किया है ऑरेंज राइंड। अगर आपके पास ऑरेंज राइंड नहीं अवेलेबल तो आप इसमें ऑरेंज मार्मलेड है वो 1 टेबलस्पून ऐड कीजिएगा। वो डालने के बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून सिनेमन, 1/4 टीस्पून इसमें मैंने नटमेग ऐड किया है। वो डालने के बाद 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप इसमें मैदा डाल के आपने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना। जब ये मिक्स हो जाएगा ये बहुत लिक्विड ही नहीं होगा, बहुत ड्राई ड्राई बैटर होगा। तो फिर इसमें आपने ये जो हमने सोक किए हुए ना नट्स एंड फ्रूट्स वो आपने इसमें डाल के इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो मैंने 8x8 का मेरा पैन है उसको मैंने बटर पेपर से पहले ग्रीस किया हुआ है, फिर बटर पेपर से लाइन किया हुआ है वो लाइन। इसमें फिर आपने ये बैटर को बहुत अच्छी तरह मिक्स करके उसमें में डाल के इसको आपने टैप करना है। फर्स्ट ये कंपलसरी है इस केक के लिए, टैप ज़रूर करना है आपने। फिर आपने इसको बेक करना है 180 पर। ये बेक होगा मेरा 35 to 40 मिनट्स में, ये बेक होगा मेरा 35 में हो गया था। फिर जब ये निकलेगा तो आपने इस पर इंस्टेंटली जैम मार्मलेड ऐड कर लें, कोई भी जैम आपके पास अवेलेबल है वो इसके ऊपर स्प्रेड आउट कर दें और इसको आप सर्व करें। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।